आज का चौथा प्रश्न है, किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? ए सज्जन, बी है कल्पांत, सी है गिरीश और डी है लघुत्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सज्जन। कल्पांत में भी दीर्घ संधि है, गिरीश में भी दीर्घ संधि और लघुत्तर में भी दीर्घ संधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सज्जन, क्योंकि सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है।